कि मुंबई का फैशन और उत्तराखंड का मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं। ओ भाई साहब, लोग तो पीछे गंगा किनारे स्नान करके ना दौड़ के स्पेशल आपके पास खाने के लिए आते। रोटी रोटी तो कौन खाएगा जब इतना टेस्टी माल मिल रहा खाने को ना। तो ठंडी ठंडी हवा तो हल्की हल्की चल रही, पर नदी की जो लहरें है ना, तो हाँ जी दोस्तों, गंगा के नदी किनारे ठंडी ठंडी हवा चलती है और यहाँ पर आकर अगर आपने इन भाई साहब के बन आलू टिक्की, जिसे देसी बर्गर कहते हैं, यस सर, हाँ जी, वो नहीं खाया तो आपका ये रामजूला और नदी किनारे आना व्यर्थ है ना। यस सर। और नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? बढ़िया सर, मजा आ रहे हैं। लास्ट वीडियो ने तो बड़ा धमाल मचा दिया। यस सर। पूरे ऋषिकेश से लेकर इंडिया, इंडिया से लेकर चंडीगढ़ मेरे पीछे पीछे वीडियो दौड़ दौड़ के आ गई। क्या बात है। और सबसे पहले नाम बता दो नवी ऑडियंस को। सर नाम तो खैर पुरानी वीडियो में आपने सुना ही होगा, सोनू। हाँ जी। और दुकान का नाम है चंदू के छोले कुलचे। जी। तो पिताजी आते आपके की नहीं आते? नहीं, पापा एक्चुअली सामान वगैरह पहुँचाते हैं, बाकी सारा काम हमारा है ऊपर से। अच्छा जी। तो यहाँ से हम लक्ष्मण झूला घूमने के लिए जा रहे थे। यस। उससे पहली पहली ये जो खुशबू निकलती है ना यहाँ से, ताजे तेल की, ताजी टिक्की की है ना। यस। और जो चाट बनाते हैं चटनियों की, वो दूर दूर तक महक आती है इसकी। तो दिखा दो एक बार चटनी, दिखा दो ये घुमा रहे ग्रीन चटनी। यस सर। फ्रेश फ्रेश एकदम। धनिया पुदीना गुड़ी मिलेगी। क्या बात है भाई साहब। ये दही, दही और वो अंग्रेज आ रहा है गोरा की चले गया सर। अभी तो फिलहाल में जा रखा है, 3 महीने का वीजा था उसका। 3 महीने उसने पूरे धमाल से खाया आपके पास है ना? 3 महीने तो सर पर डे खाया उसने, कुछ रोटी रोटी नहीं खाई यहाँ पर उसने। तो सिर्फ सुनाया क्या करें। हाँ जी हाँ। कह के गया कि मतलब एक साल बाद के रिटर्न करेंगे दोबारा सर्दियों में। क्या बात है। उनका सिस्टम थोड़ा सर्दियों का ही रहता है। जी जी जी। सर्दियाँ ज्यादा पसंद होती है उन्हें, तो सर्दियों में वेट गेन करके जाता है आपके पास यहाँ खा बना लू टिक्कियाँ। तो वो देसी बर्गर लोग कितनी दूर दूर से खाने के लिए आते हैं आप वीडियो के बाद? वीडियो से सर काफी लोग दिल्ली से भी आए जी, देहरादून से भी आए जी जी जी, यहीं से, और अपना हरियाणा वाले भी आए थे दो चार की भैया आपकी वीडियो देखी हमने। अच्छा जी। ऋषिकेश तो आते जाते। स्वाद लगा कि नहीं? स्वाद तो जादू है ना अंकल जी ने पूरा स्वाद दे रखा आपके हाथों में। वो तो सर तो सबसे मोस्ट सेलिंग आइटम आप कौन सी है, यही रहती है? जी हाँ, बन टिक्की जो है ना देसी बर्गर यूनिक हो जाता है थोड़ा सा हट के। जी जी जी। हाँ जी हाँ जी। छोले होते हैं उसके अंदर, छोले का फिर टिक्की का कॉम्बिनेशन। हाँ जी, यूनिक तो हो जाता है। क्या बात है। तो ठंडी ठंडी हवा तो हल्की हल्की चल रही, पर नदी की जो लहरें है ना गंगा मैया की, चार चांद लग जाते ना, कह रहे सोने पे सुहागा होता है। बना दो वो डिश, देसी बर्गर बना दो। ये बन भी एक्चुअल में मेरे को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये आप स्पेशल बनवाते हैं ना? यस यस, ये हल्का मीठा भी होता है ना। हल्का मीठा भी होता है। क्या बात है भाई साहब, ये चेक कर लो। आज अकेले हैं? छोटा भाई का चले गए? वो थोड़ा सा घर जा रखा है अभी, आजकल खेतों में अच्छा गेहूं वगैरह ज्यादा हो रखे हैं तो थोड़ी हल करवाने गया है। थोड़ी ज्यादा होगी गेहूं में, अगर थोड़ा ज्यादा हो गया तो 1-2 किलो मुझे दे देना, घर लेके चले जाऊंगा चंडीगढ़ में। ठीक है सर। इसका प्राइस थोड़ा बड़ा कि वैसे ही है? तो सर सेम ही रेट है सर, अभी 40 रुपीज ही है। 40 रुपीज है ना, प्राइस नहीं बढ़ाते? क्या बात है, यहाँ पर प्राइस के हरिद्वार वाले बड़े चीप एंड बेस्ट है ना सर। प्राइस बढ़ा कर क्या करना है सर, गंगा मैया इतना दे रही है, इतने में बढ़िया संतुष्टि है ना। क्या बात है जी, क्या बात। तो कितने बजे आते हैं आप? सर सुबह मॉर्निंग में 9 बजे आते हैं। सुबह 9 बजे आते हैं। तो नवी ऑडियंस जब देखेगी ना ये पूरी रेसिपी देखेगी यूनिक सी। यस। तो अलग ही दीवानगी फैल जाएगी। हल्का से इसको रोस्ट करते हैं आप ना? यस यस। ऑयली नहीं होता ना ये ऑयल, इसके अंदर अगर जो वो नॉर्मल बंद होता है वो ऑयल के अंदर सेकते हैं हम लोग। जी जी जी। उसके अंदर ऑयल नहीं जाता, इसके अंदर ऑयल चला जाएगा, इसलिए इसे तवे पे सेका जाता है बटर लगा के। तो आज चांसेस है बारिश आने के? नहीं सर, चांसेस तो ऐसे कुछ नहीं, लेकिन हाँ कह सकते हैं आप कि मुंबई का फैशन और उत्तराखंड का मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं। ओ भाई साहब, ये डायलॉग गिरी बड़ी जबरदस्त कर रहे। क्या बात है, ये हवा की चटनी भी दो बारी डलती है। यस सर। एक टिक्की डालने से पहले टिक्की डालने के बाद ना। यस। ये रेड चटनी आ गई, गुड़ी मिली वाली। यस। ये धनिया पुदीना, धनिया पुदीना वाली। ये पहाड़ का ही रहता है ना धनिया पुदीना भी? जी हाँ जी, सारा सारा यही का है। तो इसकी टेस्ट और डबल हो जाता है इससे सर। देसी धनिया देसी होता है सर। जी 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 जी। मसाले आ गए, अभी टिक्की आएगी गर्मा गर्म। पिछली बार कमेंट्स में काफी मतलब यूथ ना आपकी एज भी पूछ रहे थे, कह रहे बड़े फिट है ये, खुद खाते हैं कि नहीं खाते? आप खाते हैं बता दो ऑडियंस को। सर बिल्कुल की नहीं खाते हैं सर। खाते हैं ना? यस सर। तो एज कितनी है आपकी? सर 26। 36? 26। 26? अच्छा जी। भाई साहब पहाड़ बना दिए तो सैलड का आपने। यस सर। फिर रिपीट होगी चटनी? रिपीट। ये लो जी। क्या बात है। तो आप कितने खा लेते हैं एक दिन में बर्गर? सर कितने तो नहीं, एक आध तो हो ही जाता है पर डे। हो जाता है एक दो ना? रोटी रोटी तो कौन खाएगा जब इतना टेस्टी माल मिल रहा खाने को ना। तो जैसे रो बन लेना हो तो आप दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। क्या प्राइस मिलेगा इसका? सर 20 रुपीज का पैकेट होगा नॉर्मल। जी। ये लो भाई साहब, ये चेक कर लो यार, ये दीवानगी नेक्स्ट लेवल की रहती है। लोग तो पीछे गंगा किनारे स्नान करके ना दौड़ के स्पेशल आपके पास खाने के लिए आते हैं ना। Yes. आते कि नहीं आते, सच बोलना? बिल्कुल सर। हाँ तभी बोल रहा हूँ, मैंने देख लिया था पहले। कई लोग पूछते भी है कि सर नीचे खा सकते हैं बैठ के? नहीं खा सकते। अच्छा, मैंने तो खाने देते हम नीचे। हाँ खा सकते हैं, लेकिन गंदगी ना हो, गंदगी वगैरह ना हो।
ये चेक कर लो, और 40 रुपए इसका प्राइस है ना। यस सर। ये लो भाई साहब। तो भाई साहब, गंगा किनारे जो देसी बर्गर बनता है ना, उसके अलग ही नज़ारे रहते, दीवानापन रहता है। और इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं भाई साहब। ये वही बर्गर है जिसे लास्ट टाइम हमने शूट किया था, और शूट करने के बाद ना इतनी वीडियो वायरल हुई थी। क्या बात है, लाजवाब, अल्टीमेट, 100/100 नंबर होते ना कहते हैं। ये ऐसी चीज़ है ना जिसे खाने से पहले और खाने के बाद एक ही चीज़ निकलती है मुँह से, जवान से एक ही लफ्ज़ निकलता है, दिल ललचाए रहना चाहिए, है ना। और खाने के लिए आना हो किसने, कहाँ पर आएगा, लोकेशन एड्रेस बता दो। सर, राम झूला पे। जी, राम झूला पे लक्ष्मी नारायण धर्मशाला है सामने। जी 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 जी, उसके ठीक सामने स्टॉल्स लगे हैं सारे। अरे एक चीज़ नहीं बताई आपने, जहाँ पर आधे किलोमीटर पौने किलोमीटर दूर से खुशबू आ जाए देसी बर्गर की ना, वहीं पर आपकी काट होगी ना। जी जी सर। और भाई, आपने हमारे को टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू जी।